सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करते जा रही है। वो राष्ट्रपति कोविंद जी ने अपने दलित समाज के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, हमें खुशी है, महिला है, बनी है, शुभकामनाएं हैं, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ कीजिए तो सही। वो अधिकार भी तो दीजिए राष्ट्रपति वाला, या फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और इस तरह शुद्धिकरण किया जा रहा है, ये कहाँ होता है? और ये शुद्धिकरण का क्या मतलब है? वो शुद्ध नहीं थी पहले से? सबसे ज्यादा जो छल और छलावा हो रहा है वो हमारे ST SC और OBC के साथ हो रहा है, कम्युनिटी को। बस ये दिख नहीं रहा है कि सरकार कैसे उन्हें मार रही है। और जो मोदी जी सोच कर लाए थे वही समझा और अपनी जमीनों को बचा लिया अडानी और अंबानी से। सूट बूट की सरकार है और वो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचती है, ना कि देश के गरीब जनता और आम जनता के बारे में सोचती है। हम इस वक्त मौजूद हैं NDMC हॉल में, जहां पर एक दिवसीय सेमिनार चल रहा है। सेमिनार में क्या मुद्दे हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए, हमारे साथ आप लोग इनको जानते होंगे, ज़ेबा खान हैं, जो किसान आंदोलन में लगातार किसानों की लड़ाई लड़ती रही है। लगातार इनकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी। और आज जब NDMC हॉल में निजीकरण के खिलाफ, सरकार की जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ जब सेमिनार हुआ है, यहाँ भी ये पहुँची है, तो लगातार जहाँ जहाँ जनता विरोधी या सरकार विरोधी काम होता है, जनता के हित में काम होता है, ज़ेबा खान वहाँ हमेशा तत्पर रहती है। और उनसे समझेंगे मैम, आज का जो ये प्रोग्राम है जिसमें निजीकरण को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर, नौकरियों को लेकर ये सारे मुद्दे हैं, तो कैसे देखती हैं इसको? देखिए, आज ये जो प्रोग्राम है, देश के जो मूल मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर ये प्रोग्राम किया गया है कि सरकार किस तरह सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करते जा रही है। और कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट आरक्षण को ख़त्म नहीं करके सरकारी जो संस्थाएं हैं उन्हें ख़त्म कर दे रही है, ताकि निजीकरण जब सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी तो आरक्षण का फ़ायदा कहाँ से ST SC OBC उठाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ST SC और OBC को बहुत नुकसान है निजीकरण से। तो मैं अपने ST SC OBC समाज से ये अपील करूंगी कि उठ जाइए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए, अपने अधिकारों को समझिए कि किस तरह हिंदू मुसलमान करके भ्रमित किया जा रहा है और आपके जो अधिकार हैं उनसे आपको दूर किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। मैम, अभी ST की बात आई, प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उन्होंने इससे पहले दलित राष्ट्रपति बनाया था, अभी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई है, उसके बाद भी उन पर ऐसा आरोप लगा। देखिए, राष्ट्रपति बनाने से कुछ नहीं होता है। राष्ट्रपति कोविंद जी, जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने अपने दलित समाज के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, हमें खुशी है, महिला है, बनी है, शुभकामनाएं हैं, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ कीजिए तो सही। कि सिर्फ बनाकर रबड़ स्टैंप रख देना और वोट दिखा दिखा कर ये राष्ट्रपति हैं दलित, ये राष्ट्रपति हैं शेड्यूल ट्राइब्स, वोट लेते रहने के लिए, उनको अधिकार भी तो दीजिए राष्ट्रपति वाला। या फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कोई, या आप तो फोटो सभी ने देखा होगा, तो जो राष्ट्रपति की गरिमा है वो तो उन्हें दी जाए। और इस तरह शुद्धिकरण किया जा रहा है, ये कहाँ होता है? राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो क्या गलत मानती हैं? देखिए, ये तो समाज बेहतर निर्णय करेगा कि वो गलत है या सही है, लेकिन मैंने पहले, इससे पहले हमने नहीं देखा कि किसी राष्ट्रपति का शुद्धिकरण हो रहा है। ये तो पॉलिटिक्स अलग है और धर्म अलग है। और ये शुद्धिकरण का क्या मतलब है? वो शुद्ध नहीं थी पहले से? तो मैं कहना चाहूंगी कि ST SC OBC माइनॉरिटी सभी को, हिंदू मुसलमान लड़वाकर सरकार जो है और मूल मुद्दों से भटका रही है और खुद सत्ता की मलाई खा रही है, भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति, और लगातार देश के ST SC OBC माइनॉरिटीज़ का शोषण हो रहा है, शोषण किया जा रहा है,
नफरत की खेती की जा रही है, नफरत का चश्मा पहनाकर हिंदू मुसलमान में देश को बांटा जा रहा है। तो ये बंद होना चाहिए और सभी समाज को जागना होगा और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना होगा, नहीं तो बहुत देर ना हो जाए। मैम, ऐसे दौर में आज जब खासकर माइनॉरिटी में अगर मुसलमानों की बात करें तो उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, उनके साथ जो संवैधानिक रवैया है दोहरा अपनाया जा रहा है। अगर मुसलमान आरोपी है तो उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, सबसे ज़्यादा जो छल और छलावा हो रहा है वो हमारे SC और OBC के साथ हो रहा है, कम्युनिटी को बस ये दिख नहीं रहा है कि सरकार कैसे उन्हें मार रही है। और जिस दिन दिखने लगेगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आंखें खुलेंगी, और तब तक इतना देर हो गया रहेगा कि कुछ कर नहीं सकते हैं, अफसोस करने को छोड़कर। वो दिन दूर नहीं है जब ST, SC और OBC को हड़िया बांध कर चलना पड़ता था, घुंघरू लटका कर चलना पड़ता था, झाड़ू लटका कर चलना पड़ता था। वो दिन अब दूर नहीं है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था ताकि बराबरी का दर्जा मिल सके, वर्षों के शोषण के बाद वो संविधान बनाए थे ताकि अधिकार दिलाया जा सके, वो संविधान खतरे में है। हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं पार्लियामेंट में। तो मैं सभी से, अपने ST, SC, OBC से, कम्युनिटी से ये आग्रह करूंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचा ले वो, नहीं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, हमारी पहचान ही उस संविधान से है। अभी संसद में BJP के एक मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जबकि जो एक्टिविस्ट हैं या अपोजिशन है वो लगातार आरोप लगाती है कि मोदी जी ने 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था लेकिन अभी तक नहीं। देखिए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष का और साल में 10 करोड़ का, तो वो तो सिर्फ जुमले हैं, सुनते जाइए, जुमले हैं, देखते जाइए। 15 लाख का किसानों की आय दुगनी होगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सब महंगाई कम होगी, तो सारे तो जुमले थे। आज महंगाई कहाँ पर है वो हम देख रहे हैं, किसानों को क्या इंसाफ मिला वो देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसानों पर ट्रैक्टर थार गाड़ी चढ़ाई गई थी मंत्री जी के पुत्र के द्वारा, मंत्री जी अब तक पद पर बैठे हुए हैं, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं ऐसे सत्ता में बैठे लोगों से कि वो गरीबों की आवाज़ सुनेगी, ST, SC, OBC की आवाज़ सुनोगी, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ सुनेगी। मोदी जी ने कहा था जब किसान आंदोलन चल रहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी है कि मैं किसानों को नहीं समझा पाया, वरना जो कानून थे तीनों वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि किसानों ने जो कानून था वो बहुत सही समझा, और जो मोदी जी सोच कर लाए थे वही समझा और अपनी जमीनों को बचा लिया अडानी और अंबानी से। MSP का वादा किया गया था उसके बाद नहीं मिला, अब तक नहीं मिला, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि जो कानून बोल रहे थे अच्छे हैं, किसानों के हित में हैं, वो किसानों के हित की सोचते हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार सूट बूट की सरकार है और वो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचती है, ना कि देश के गरीब जनता और आम जनता के बारे में सोचती है। तो आप क्या करेंगे, MSP भी नहीं मिला, आंदोलन भी खत्म हो गया। देखिए, आगे निर्णय लिया जाएगा किसान मोर्चे के द्वारा कि क्या किया जाता है, किस तरह फिर से मांगे उठाई जाती हैं सरकार से, आगे भविष्य में पता चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली को फिर से घेरेंगे। देखिए, हो सकता है, हो सकता है ST, SC, OBC भी जाग जाए अगर पता चल जाए कि उनके अधिकारों का किस तरह रोज हनन हो रहा है और उनके एक एक अधिकार, सामाजिक अधिकार जो हैं छीने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ST, SC, OBC आंदोलन के लिए आगे आएंगे। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये थी ज़ेबा खान, NDMC हॉल, दिल्ली, जनहित आवाज़।